सर्दियों के मौसम में भी प्रदेश में आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही है। ताजा मामले में मंडी जिला के विकास खंड सुंदर नगर के तहत एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर में आग लगने से एक युवक की जलने के कारण दर्दनाक मौत हो गई है। मामले में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदर नगर लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आज जो है चमुखा के पास एक घर में अचानक आग लगने से वहाँ पे जो काफी नुकसान हुआ, उसमें घर के जो ऑनर हैं पवन जी पुत्र गंगा, उनका जो है मौके पे वो मृत पाए गए और आग लगने से उनकी डेथ होने की वजह समझ में आ रही है। पुलिस टीम और जो राहत कार्य की टीम है वो मौके पे हैं और आगे की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। एफएसएल की टीम भी जल्दी स्पॉट को विजिट करेगी और आग लगने के कारणों का हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेंगे किस वजह से आग लगी और फर्दर वहाँ पर बचाव कार्य अभी चल रहा है और जैसे आगे के हालात बनेंगे आगे की कार्रवाई अमल में ला जाएगी। आज हमारे सुंदरनगर उपमंडल में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई है। चमुखा में हमारे एक पवन कुमार जी जो लगभग 40 वर्ष के थे और अपने घर में थे और पुत्र गंगाराम जी, तो अनफॉर्चुनेटली कोई आग का इंसिडेंस हुआ और उसमें मतलब वो भी आग से बाहर नहीं आ पाए तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। अब डिटेल में अभी डेथ के कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, अभी हम डेड हाउस ही आए हैं तो परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि किस वजह से ये घटना हुई है, परंतु परिवार के एक सदस्य ने जरूर बयान दिया है कि शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि ऐसा आग लगी हो। दमकल की गाड़ियां, हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो समय रहते वहां पहुंच गई थी, परंतु ग्रामीणों ने पहले भी मुझे लग रहा है मिल जुल के आग पे काबू पाना शुरू कर दिया था। इनके परिवार में एक पत्नी और बेटा है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और राहत प्रकरण भी जो रहेगा नियमानुसार वो दिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। डॉक्टर के डी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।